हरियर दूब अब तो छिलाए लागल, गंगा जी के घाट चारू ओर लिपाए लागल, होखे लागल बा पूजा अर्चन, छठी मैया के होता आगमन। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, जय छठी मैया। कल से छठ का महान पर्व शुरू हो चुका है। कल नहाए खाए से चालू हुआ और कल जो लोग व्रत किए हुए हैं वो अरवा का चावल, कद्दू, दाल, आंवला का भोग लगाते हुए छठ को प्रारंभ किए और आज खरना के साथ साथ 36 घंटा के लिए उपवास रखने का भी काम सब लोग करेंगे। और छठ को बहुत ही महान पर्व माना जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूपी और बिहार के जो लोग हैं इसे अपने घर के जैसा, यानी जैसे शादी ब्याह होता है हमारे घर के घर में, वैसे इसको मनाते हैं। और बहुत ही महान, बहुत ही कठिन पर्व इसको माना जाता है हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में। इससे महान और इससे कठिन पर्व तो कोई नहीं है। और आज आप लोग को फिर मैं घाट घुमाऊँगा और कहाँ कहाँ पर खरना का प्रसाद मिलेगा, कौन हमें खिलाएगा, किसके घर हम जाके खाएंगे, ये भी आपको दिखेगा। और खरना का प्रसाद लोग घर पे भी ला के देते हैं और कुछ लोग अपने अपने घर पे भी बुला के खिलाते हैं। और प्रसाद तो प्रसाद है, कहीं भी जाके खाओ या आए तब भी खाओ, प्रसाद आपको खाना चाहिए। और छठ का प्रसाद, आप किस्मत वाले हैं कि आप अगर छठ का प्रसाद आपको मिल रहा है तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। और ये देखते हुए छठ की माँ कृपा आप लोग के ऊपर बना रहे, ये देखते हुए हम लोग अब चलते हैं। मैं और मेरी छोटी बहन यहीं खड़ा होकर देख रही है सब कुछ। हम लोग जा रहे हैं दूध लाने और दूध लाने के बाद फिर आपको मैं जहाँ जाऊँगा ये दिखेगा आगे। ये देखिए नौकर हमारी दूध का जो कमंडल है उसको लेकर दूध के लिए प्रस्थान करती हुई। और नौकर इधर देखो, नौकर सबको आए बोलो। अच्छा, फिलहाल हम लोग के हाथ में खरना का प्रसाद आ गया है। सुबह से बहुत इंतजार था इस प्रसाद का। लोग देख सकते हैं यहाँ पे पंकज भैया भी हैं और ये अभिषेक है जहाँ हम लोग आए हैं इसके घर पर। छठ हो रहा है इनके घर पे और ये प्रसाद खाने के बाद मैं अब कहाँ जाऊँगा आप लोगों को आगे दिखेगा। जय छठी मैया। के बाद मैं अब रोहित के यहाँ आ गया हूँ और मेरे साथ अमरीश है भाई। रोहित अब हम लोग का प्रसाद लेके आ रहे हैं। और ये प्रसाद केला और खीर के साथ रोहित लगा दिया हम लोग को। रोहित थैंक यू ब्रो, छठ का प्रसाद देने के लिए काफ़ी भाग्य से ये प्रसाद ग्रहण करने के लिए मिलता है। और ये अमरीश अपने प्रसाद लेके आगे जा रहा है। तो मैं फिलहाल प्रसाद खाने बादल भैया घर आया हुआ हूँ और वो जो छोटा भाई वो प्रसाद खा रहा है, मेरे हाथ में भी प्रसाद है और बादल भैया भी प्रसाद खा रहा है हमारे साथ। और फिर हम यहाँ से प्रसाद खा के अपने घर जाएंगे और फिर कल आप लोगों से हम सुबह मिलते हैं। फिर 1100 हो गया। जय छठी मैया। आज छठ का दूसरा दिन है, आज संध्या अर्घ है और सारा बाजार सज चुका है। ठेकुआ और ईख और दौरा और सूप सब कुछ सज चुका है, बस शाम होने की देर है। सब छठ व्रती जो भी भूखे हैं, जो भी व्रत किए हुए हैं या जो भी उनके परिवार के हैं या जिनका छठ नहीं भी हुआ है वो भी आज घाट पे जाएंगे, घूमेंगे और काफ़ी आनंद लेंगे, क्योंकि ये पर्व हमारे लिए हमारी माँ है ये बोल सकते हैं। काफ़ी हम लोग मानते हैं इस पर्व को। और घर में जैसे हम लोग शादी ब्याह होता है ना, उस टाइप का ये छठ होता है। तो मैं अभी फ़िलहाल पापा के साथ फल लेने जाऊँगा और उसके बाद शाम को हम लोग जहाँ जाएँगे वहाँ भी आपको दिखेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं और पापा प्रसाद लेने के लिए जा रहे हैं फल लेने के लिए। और ये जो फल है वो हम बादल भैया घर देंगे, क्योंकि जो वहाँ बुआ छठ कर रही है तो उसके सूप से ये फल चढ़ेगा। और फिलहाल हम और पापा आ चुके हैं बाज़ार में। आप लोग देख सकते हैं बाज़ार में चारों तरफ कितने लोग हैं। आगे हम लोग और बाज़ार में रहेंगे तो और भीड़ दिखेगा। और चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं कि सब कुछ सज चुका है, हर जगह फल के दुकान लगे हुए हैं, ईख फल के दुकान और जो भी सूप पर चढ़ाया जाता है छठ में वो हर चीज़ आपको दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ कितना खूबसूरत माहौल है पूरे विक्रमगंज बाज़ार में। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे
अनानास और ये घाघर, वो सूखा नारियल, काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा और काफ़ी खूबसूरत लगता है जब हम लोग फल लेने आते हैं। पापा सबका दाम पूछ रहे हैं, जो भी जो हम लोग को लेना है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि जो भी बाज़ार यहाँ पे लगे हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत बाज़ार लगे हुए हैं। चारों तरफ फल, चारों तरफ ये देखिए यहाँ पे आपको पानी फल, शरीफा, ईख, मूली और संतरा जो भी है यहाँ पे आपको बहुत कुछ, अमरूद, शकरकंद, बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे देखिए रोड़ी, घी जो भी है सब कुछ आपको यहीं मिलेगा। तो फिलहाल वो शाम आ गया जिसका इंतज़ार हम लोग सालों से करते हैं, संध्या अर्घ का। और सब लोग हम लोग अब जाएंगे घाट पे। बादल भैया के घर में जा रहा हूँ जहाँ बुआ छठ कर रही है वहाँ पे, और उसके साथ हम लोग जाएंगे घाट पे। और आगे दिखाते हैं आपको कि घाट पे कौन कौन आए हुए हैं। सब लोग अपने अपने माथ पे दौरा लेकर, मेरा छोटा भाई और बादल भैया, और मैं अपने हाथ में ईख लेकर, और सब लोग घर से निकल गए हैं घाट पे जाने के लिए। और यहाँ से हम लोग घाट जाएंगे, आप लोग को आगे दिखाते हैं। तो हम लोग फिलहाल छठ घाट पे आ गए हैं। छठ घाट पे आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ कितना भीड़ है, कितना भीड़ है। और मुझे लगता है कि विक्रमगंज में आपकी बार जितना छठ हुआ है, शायद इससे पहले छठ नहीं हुआ था इतना जितना आपकी बार हुआ है। चारों तरफ सब लोग देख रहे हैं अपने अपने घाट पे, सब लोग आके बैठ गए, सब लोग फल अपना रखते हुए और अपना ईख लगा कर बैठ। संध्या अर्घ देने के बाद सभी लोग अपने अपने घाट पर बैठे हुए हैं और कुछ ही देर में सब लोग यहाँ से अपने अपने घर के लिए जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ कितना खूबसूरत माहौल है, बहुत लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और ये घर के जैसा जो पर्व है, पावन पर्व छठ, उसको काफ़ी लोग अच्छे से मना रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ काफ़ी भीड़ है बहुत, और कितना खूबसूरत इस घाट को सजाया गया है ये भी यहाँ पे देखने में आ रहा है। शीतली बयरिया शीतल दूजे पनिया, कब देव देवता तू आके दर्शनिया। यही सबके मन में होगा आज, क्योंकि जो सूर्य देव का निकलने का समय है आज, वो काफ़ी देर है, क्योंकि हमेशा सूर्य देव जो हैं वो पहले निकल जाते हैं, लेकिन आज उनका अर्घ है तो वो काफ़ी आँख मिचोली खेलते हैं हर व्रतियों के साथ। और आज के सुबह के अर्घ के साथ छठ का समापन हो जाएगा महापर्व का। उसके बाद अभी हम लोग, मैं और अमरीश, हम लोग जा रहे घाट पे, प्रसाद लेंगे सबसे और सबसे आशीर्वाद लेंगे जो लोग भी व्रत किए हुए हैं। और जिनका छठ होता है वो भी प्रसाद मांगते हैं, और जिनका नहीं होता है वो भी मांगते हैं। तो इसको काफ़ी पुण्य माना जाता है। तो ये देखते हुए हम आगे चलते हैं और आपको घाट का नज़ारा दिखाते हैं। और ये काफ़ी समय से बेचारा खड़ा है, सॉरी ब्रो थोड़ा बहुत लेट हो गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, चल राम राम, जय छठी मैया। चलो चलो घाट पे चलते हैं। सब लोग छठ घाट पे आ चुके हैं, सुबह का 5 बज रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि सब लोग 5 बजे ही सब लोग घाट पे आ गए हैं। और यहाँ से सूर्य देव के निकलने तक सब लोग अर्घ के लिए इंतज़ार करेंगे कि जब सूर्य देव निकलेंगे तो उनको अर्घ दिया जाएगा, उनसे मनोकामना की जाएगी कि आप सब सुख समृद्धि हमेशा बनाए रखें। और इस और आप लोग देख सकते हैं कितना इस पर्व को माना जाता है। सूर्य देव के निकलने से पहले ही, अभी उनको निकलने में बहुत वक्त है, और उनको निकलने से पहले ही सब लोग यहाँ पे अर्घ देने के लिए जल के बीच खड़ा हो गया है और उनकी आराधना करने के लिए तपस्या कर रहा है कि सूर्य देव कब निकलेंगे। और उनकी आराधना करते हुए सब लोग पूजा कर रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि सूर्य देव भी निकल गए और सब लोग अर्घ देने के लिए अब तैयार हैं। और बहुत लोग तो पहले दे भी लिए और कुछ लोग अब देंगे। और यहाँ से अर्घ देने के बाद हम लोग सबके घाट पे जाएंगे और वहाँ पे प्रसाद ग्रहण करेंगे और सबसे आशीर्वाद लेंगे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत माहौल लग रहा है यहाँ पे। यहाँ तो फिलहाल मैं और आयुष हम लोग जा रहे हैं प्रसाद लेने, और आप लोग आगे दिखाते हैं प्रसाद कैसे यहाँ पे लेना है। और काफ़ी भीड़ आया हुआ है यहाँ पे। और ये यहाँ का सूर्य मंदिर है जहाँ पे सब लोग अर्घ देने के बाद आकर सूर्य भगवान की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। और इसके बाद ये लोग सुबह पे अपने घाट पे जाएंगे।
काफ़ी हर्षोल्लास से ये छठ पर्व को मनाया गया और खूब मज़ा आया इस छठ पर्व में। खूब बहुत सारा भीड़ भी दिखा, बहुत सारे लोग दिखे जिनसे पहले नहीं मिले थे, बहुत दिन हो गए थे मिले, वो भी आज छठ पर्व में मिले, क्योंकि छठ पर्व में सब लोग घर पे आ जाते हैं घूम फिर के घर जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ से। और मैंने प्रसाद खा लिया और छोटी बहन ने भी और लगभग सब लोगों ने प्रसाद खा लिया, और आप लोग भी इस प्रसाद को खाएँ। और छठ माह से मैं बस इतना विनती करूँगा कि सबकी मनोकामना पूरी हो, सब अपने जीवन में खुश रहें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या बोलना है? लाइक लास्ट में बोलना चाहती हूँ, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें यानी सब्सक्राइब करें, इसको जो आया वो बताया। चलिए फिर हम लोग फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में आपसे। जय छठी मैया, जय जय।